आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए GK के सेट 32 को देखने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्न वो करेंगे। इससे पहले मैंने सेट 31 तक जो है पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वह सभी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। ऑप्शन आपका है बांग्लादेश, चीन, नेपाल और भूटान। तो जो भारत है वो सबसे लंबी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ जो है साझा करती है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत जो है सबसे लंबी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो होता है वह सबसे ज़्यादा जो शेयर करती है, मतलब साथ में जो है कनेक्टेड है, वह जो है बांग्लादेश का है। किसका है? बांग्लादेश का है। कितना है? तो 4096 किलोमीटर। कितना है? 4096 किलोमीटर जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है साझा करती है भारत बांग्लादेश के साथ। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला यहाँ प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी के जो लोग थे वह निम्नलिखित में से जो है पशुपति की जो है पूजा करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। समझ गए? पशुपति के जो है वहाँ की पूजा करते थे लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है, उपनिषद क्या है। देखिए ऑप्शन महाकाव्य है, कथा संग्रह है, या हिंदू दर्शन का स्रोत है, या कानून की पुस्तकें है। तो जो आपका उपनिषद है यह जो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। महाकाव्य तो आपका रामायण हो गया, ये सब हो गया। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है। वनस्पति संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा? तो यह जो है आपका कोलकाता में जो है स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय जो है यह कोलकाता में स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। अब यहाँ पर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है किस संस्था की स्थापना जो है नहीं किया गया है। ऑप्शन देखें, साबरमती आश्रम इन्होंने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, सेवाग्राम आश्रम ये भी किया था, आपका विश्व भारती ये नहीं किया था, फिर आपका फिनिक्स आश्रम ये भी किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा, जो कि विश्व भारती है ये महात्मा गांधी ने नहीं किया था, बाकी साबरमती, सेवाग्राम, फिनिक्स जो आश्रम है ये सभी की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है। जो भारत के संविधान की जो व्याख्या करता है इसका अधिकार जो है किस संस्था को दिया गया है। ऑप्शन देखिए, संसद, भारत का उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, भारत के एंटोनी जनरल। तो देखिए भारत के जो संविधान की व्याख्या करने का जो प्राधिकार, मतलब जो अधिकार दिया गया है वह जो है भारत का उच्च न्यायालय को दिया गया है। किसको दिया गया है? भारत का उच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा, जो मनसबदारी प्रथा है किसके द्वारा लागू की गई थी। तो देखिए मनसबदारी प्रथा जो है अकबर के द्वारा जो है लागू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्राचीन बंदरगाह था वह जो था लोथल था। कौन था? लोथल, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया, कब कराया। भारत ने जो है पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कब कराया। तो
तो भारत ने जो है पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त जो है 1961 ईस्वी में करवाया। कब करवाया? 1961 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो देखिए अगला यहाँ प्रश्न है कि एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। जो आपका एक खगोलीय इकाई होता है यह किसके बीच की औसत दूरी होती है? ऑप्शन देखें, पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। तो देखिए एक खगोलीय इकाई जो होती है यह आपकी जो होती है पृथ्वी तथा सूर्य की जो है मतलब औसत दूरी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं इम्पॉर्टेंट है इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? देखिए सूर्य की परिक्रमा करने में वह कौन सा ग्रह है जो अधिकतम समय लेता है? ऑप्शन देखिए, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। पृथ्वी तो मालूम है कि आपका एक साल में ले लेता है, परिक्रमा कर लेता है 365 दिन में, लेकिन जो आपका बृहस्पति ग्रह है यह अधिकतम समय लेता है। कितना लेता है? तो 11.86 वर्ष लेता है यह एक चक्कर परिक्रमा करने में सूर्य की। समझ गए? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर भारत में उत्तरी मैदान के बृहद क्षेत्रों में प्रसरित मृदा है। भारत के जो उत्तरी मैदान है, जो आपका ये इंडिया है इस तरह का बना हुआ, मैं सही से नहीं बना पा रहा हूँ, यहाँ पर जो आपका ये उत्तर यही ना होता है, उत्तर ये आपका यहाँ पर उत्तर होता है, ये होता है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये उत्तरी ये भाग जो है ऊपर से बिहार और जो झारखंड और जो आपका आ जाता है पंजाब, दिल्ली, ये सब, तो यहाँ पर जो है किस तरह की जो है बृहद क्षेत्र में जो है मिट्टी पाई जाती है? काली मृदा, देखिए लाल मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा। तो देखिए भारत के उत्तरी जो मैदान है इसमें बृहद क्षेत्र में जो प्रसरित मृदा है वो आपका जलोढ़ मृदा है। क्या है? जलोढ़ मृदा। समझ गए? और काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, और जलोढ़ मृदा जो होती है, जो मतलब बाढ़ आती है तो उसमें जो मिट्टी दह कराती है ये भी जो है उपजाऊ मिट्टी होती है, इस पर खेती जो होता है अच्छी होती है। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला यहाँ प्रश्न है कि माउंट आबू स्थिर, देखिए माउंट आबू स्थिर मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो याद रखिएगा कि माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का मतलब मंदिर, जो कि जैनों के लिए जो है पवित्र जो है तीर्थ स्थल है जैन धर्म के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं, तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? निम्नलिखित में से जो है गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? आपको ये प्रश्न का आंसर मालूम होगा, बचपन से आपने पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला यहाँ प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट में लिख देता हूँ। देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो आपका ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो यहाँ देखिए पन्ना लाल घोष, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्ना लाल घोष जो है यह निम्नलिखित में से जो है, मैं आपको बता दूं कि बांसुरी जो है वाद्य यंत्र बजाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला यहाँ प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में कितने प्रमुख अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र में जो है प्रमुख अंगों की संख्या जो है वह 6 है। कितना है? 6 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला यहाँ प्रश्न है कि भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारतीय सेना के जो सर्वोच्च मतलब कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं? सेना प्रमुख, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। तो भारतीय सेना के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वह होते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के जो होते हैं वह मुख्य वही होते हैं, सर्वोच्च कमांडर। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला यहाँ प्रश्न है कि भारत के किस भाग में मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास हुआ? तो भारत के जो है निम्नलिखित में से जो है केरल वाले राज्य में जो है मोहिनीअट्टम नृत्य का जो है विकास हुआ। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो किला मारा इस सेट का अंतिम प्रश्न है। यहाँ देखिए दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो दिल्ली में स्थित है लाल किला, जहाँ पर प्रतिवर्ष जो है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, झंडा तोलन किया जाता है। तो यह जो है
किस मुगल शासन ने जो है निर्माण करवाया था, तो दिल्ली में जो लाल किला है इसका निर्माण जो है मुगल शासक जो था शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।